जय मसीह की खुदा के दास और दासी को, जय मसीह की संपूर्ण कलीसिया को। मेरा नाम नेहा है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी गवाही मेरे सिस्टर की है, जिन्हें फैब में ब्रेन स्टेम ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर जो ना ऑपरेट किया जा सकता है, ना ही इसका कोई मेडिकल टर्म्स में आज तक कोई अदर इलाज है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली थिंग वॉज रेडिएशन जो उन्होंने हमें प्रेफर किया था। आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल उन्होंने कहा था सिर्फ रेडिएशंस ही एक ऐसा मात्र सहारा है, वो भी नो गारंटी, देर इज़ नो अदर ऑप्शन कि ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। उन्होंने हमें साफ शब्दों में इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि इसकी ज़िंदगी कुछ ही टाइम की है, क्योंकि जब ये ट्यूमर बढ़ता है तो इसके इल इफ़ेक्ट्स और वर्स्ट हो जाते हैं। पर जब डॉक्टर हमें ये सब बातें कह रहे थे, हम अपने परमेश्वर की ओर ताक रहे थे। पास्टर जी के शब्द हमने याद किए, अड़े रहो खड़े रहो, गॉड टाइम बेस्ट टाइम। हमने इन दो शब्दों को पकड़ के रखा। जब मेरी सिस्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, हमने इस बात पे गौर किया कि अब क्या करना है नेक्स्ट, बिकॉज़ जो छोटी मोटी दवाइयाँ थी वो तो दे मिल गई थी, क्योंकि उसका एक पार्ट बॉडी का पैरालाइज्ड हुआ था। वो इस रीति से था, वो फॉर अ सेकेंड जब वो स्ट्रोक आता था तो वो नम हो जाता था, वीक हो जाता था। तो इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ कॉल लेना ही था, पर हमें अगुवाई नहीं हो रही थी कि हम रेडिएशंस लें। तो हमने ये सारी बातें पास्टर जी को व्हाट्सएप के थ्रू, हमने मैसेज के थ्रू उन्हें रख दिया कि ऐसे ऐसे ये रिपोर्ट्स हैं, प्लीज़ कीप अस इन प्रेयर। पास्टर जी ने जो जो घोषणाएँ की ट्यूमर कैंसर रोगों को लेकर, ब्रेन ट्यूमर ऐसे पेशेंट लोग हीलो, हर ट्यूमर चला जाए अभी, हर ट्यूमर चला जाए अभी, यीशु नाम में आपको मैं फ्री करता हूं, फ्री करता हूं यीशु नाम में। खुदा के नबी द्वारा बोले गए ये शब्दों को हम हमेशा बाय फेथ रिसीव करते थे, क्योंकि लिखा है वचन में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने इस दौरान रेडिएशंस को इग्नोर कर दिया, हमने डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट था, जो मेडिसिंस थी हैवी, उसे इग्नोर करके हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, और वो भी एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें डायरेक्ट पेड़ों से जो जड़ें और उसकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका एक मिश्रण, एक काढ़ा तैयार करके सिर्फ अर्ली मॉर्निंग देना था। उस पर भी हमने बाय फेथ हर प्रेयर में रिसीव किया था खुदा की सामर्थ को, तो वही हम उसे अर्ली मॉर्निंग देते थे। और खुदा की दया कृपा से जब थर्ड मंथ आया, वो बिल्कुल रिकवर होने लगी, उसे कुछ तकलीफ नहीं हुई। वो इस तरह से अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने लगी कि मानो उसे कुछ था ही नहीं। वी गिव ग्लोरी टू लॉर्ड फॉर दिस, कि एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति जिस तकलीफ़ों से गुजरते हैं, वो बच्ची, वो खुदा की बेटी किसी भी वे में इन बातों से नहीं गुजरी। फिर थर्ड मंथ आते ही कुछ ऐसा होने लगा, जैसे ही उसका मंथली साइकिल आया, उसे वापस से वॉमिटिंग्स आने लगी, उसको चक्कर आने लगे, उसके नेक स्टिफ होने लगी, जकड़ने लगी। हम थोड़ा घबराए कि ये क्या हो रहा है, पर हमने अपने मन की भावनाओं को किसी गलत सोच की ओर लगने नहीं दिया। हम बाय फेथ हर एक बात को रिसीव जो करते थे, हमने इस समय उन्हें और गहराई से मनन करते रहे। उसके बाद जब उस हमें लगा कि नहीं, अभी कुछ ज़्यादा वापस सीरियस हो रहा है, तो हम उसे लेकर गए MRI के लिए कि लेट्स सी वहाँ क्या निकलता है।
कहीं ना कहीं हम ऐसा भी सोच रहे थे कि शायद ये ट्यूमर बढ़ गया है। तब हमने अपने मन को खुदा की ओर लगाया, उस दिशा में, उस आत्मिक दिशा में लगाया। तब हमने वापस जब MRI कराया, उसका रिजल्ट जो आया 3 डेज के बाद, इतना ब्यूटीफुल था। जब इस MRI की रिपोर्ट आई, डॉक्टर्स तक शॉक हो गए कि ये ब्रेन स्टेम ट्यूमर गया कहाँ, विदाउट एनी कीमो रेडिएशंस ये कहाँ चला गया। हमने खुदा को ग्लोरी दी कि परमेश्वर महान है। जब उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी डॉक्टर ने, वो खुद शॉक हुए ये क्या है, क्योंकि ये ट्यूमर एक बहुत ही डेंजरस ट्यूमर है जिसका रिजल्ट डेथ है। पर हमारे खुदा के लिए असंभव को संभव करना उसकी बड़ी आदत है। हम धन्यवाद करते हैं अगुवे का, जिसे खुदा ने हम पर ठहराया है।